ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं लता देवी चौहान। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर कटनी बिलासपुर सेक्शन में आज से सभी यात्री गाड़ियों का परिचालन फिर से शुरू हुआ। कल राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं के सशक्त होने से लोकतंत्र और मजबूत होगा। दुर्ग स्थित हेमचंद यादव विश्वविद्यालय का पहला दीक्षांत समारोह कल आयोजित किया जाएगा। और मौसम विभाग ने अगले 18 घंटों के लिए प्रदेश के 10 जिलों में ऑरेंज और 8 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया। अब समाचार विस्तार से। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर कटनी बिलासपुर सेक्शन में आज से सभी यात्री गाड़ियों का परिचालन शुरू कर दिया गया है। हालांकि रैक उपलब्ध नहीं होने के कारण कल 24 अप्रैल को अंबिकापुर जबलपुर एक्सप्रेस और चिरमिरी कटनी पैसेंजर स्पेशल रद्द रहेगी। गौरतलब है कि बिलासपुर कटनी रेलखंड पर बीते 19 अप्रैल को सिंहपुर स्टेशन में हुई रेल दुर्घटना के कारण ट्रेनों का परिचालन प्रभावित हुआ था। कल राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाएगा। इस उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के पंचायत राज प्रतिनिधियों को शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा है कि संविधान के 73वें संशोधन के अधिनियम के प्रतीक स्वरूप भारत में 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। इस संशोधन अधिनियम से स्थानीय स्तर पर लोकतंत्र की स्थापना के लिए पंचायती राज संस्थान को संवैधानिक स्थिति प्रदान की गई है और उन्हें देश में ग्रामीण विकास का कार्य सौंपा गया। श्री बघेल ने कहा कि पंचायती राज संस्थाएं जितनी सशक्त होंगी लोकतंत्र भी उतना ही मजबूत होगा। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में पंचायती राज संस्थाओं ने जमीनी स्तर पर अपने नेतृत्व क्षमता और भागीदारी को साबित किया है। संकट के समय में आंगनबाड़ियों और पीडीएस के माध्यम से हितग्राही परिवारों को राशन पहुंचाना हो या मनरेगा के माध्यम से रोजगार मुहैया कराना, इन सभी कामों में सरकार के साथ पंचायतों ने कदम से कदम मिलाकर काम किया है। दुर्ग स्थित हेमचंद यादव विश्वविद्यालय का पहला दीक्षांत समारोह कल 24 अप्रैल को आयोजित किया जाएगा। समारोह की तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। दीक्षांत समारोह में 126 छात्र छात्राओं को स्वर्ण पदक और 13 शोधार्थियों को पीएचडी की उपाधि दी जाएगी। रायपुर के चंदखुरी में कल से माता कौशल्या महोत्सव शुरू हो गया है। 3 दिवसीय इस महोत्सव का शुभारंभ संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत ने किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सांस्कृतिक धरोहरों को सहेजने और इन्हें आगे बढ़ाने के लिए जो कार्य कर रही है उससे प्रदेश को देश दुनिया में नई पहचान मिल रही है। इस अवसर पर उन्होंने अपने क्षेत्र में अच्छा कार्य कर रही मानस मंडलियों की महिलाओं को माता कौशल्या अलंकरण देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि रामकथा से जुड़ी मानस मंडलियों को प्रोत्साहित करने के लिए मानस प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। महोत्सव के दूसरे दिन आज प्रख्यात लोकगीत गायिका मैथिली ठाकुर और कविता पौडवाल अपनी प्रस्तुति देंगे। साथ ही वाराणसी से आए व्योमेश शुक्ल द्वारा श्री राम की शक्ति पूजा की प्रस्तुति महोत्सव के मंच से की जाएगी। महोत्सव के अंतिम दिन प्रख्यात गायक पद्मश्री कैलाश खेर की मनमोहक प्रस्तुति होगी। भारतीय सेना में अग्निवीर सैनिक बनने के लिए छत्तीसगढ़ के नौजवान काफी उत्साह दिखा रहे हैं। अग्निवीर सैनिकों की भर्ती के लिए ऑनलाइन परीक्षा बीते 17 अप्रैल से शुरू हो गई है जो 26 अप्रैल तक चलेगी। इस दौरान हर दिन 3 पालियों में परीक्षा ली जा रही है। परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार भारतीय सेना की वेबसाइट से अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। राज्य में ऑनलाइन परीक्षा के लिए रायपुर भिलाई बिलासपुर में केन्द्र बनाए गए हैं। रायपुर स्थित सेना भर्ती कार्यालय के प्रभारी अधिकारी राधेश्याम ने बताया कि कल 24 से 26 अप्रैल तक अग्निवीर धर्मगुरू और फार्मेसी सहायक के पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा ली जाएगी। अब सुनिए आकाशवाणी के लोकप्रिय कार्यक्रम प्रधानमंत्री की मन की बात पर आधारित विशेष श्रृंखला। आज का विषय है ग्रामीणों को संबल। लोग आवाज और सीधा संवाद यानी आपके हम सब के मन की बात। जी हाँ, ऐसे ही करोड़ों लोगों से जुड़ जाते हैं हमारे प्रधानमंत्री हर महीने मन की बात प्रोग्राम के साथ। आकाशवाणी पर यह सिलसिला इस महीने यानी अप्रैल में 100वीं कड़ी के साथ जारी रहेगा। इसी विशेष मौके पर मन की बात कार्यक्रम से प्रधानमंत्री के चुनिंदा संबोधनों को फिर से प्रस्तुत किया जा रहा है। इस विशेष कार्यक्रम के 79वीं कड़ी में पेश है प्रधानमंत्री का वो विचार
जिसमें उन्होंने हैंडलूम के उत्पादों का इस्तेमाल करने की लोगों से अपील की है। भारत को एक दौर में दुनिया सोने की चिड़िया कहती थी। भारत की ये स्थिति यहाँ के किसानों की मेहनत और दस्तकारों की काबिलियत के जरिए थी। भारत के हैंडलूम की दुनिया भर में मांग और पहचान थी, लेकिन वक्त और मशीनीकरण की वजह से हालात बदल गए। लेकिन अब भी भारत में बड़ी संख्या में दस्तकारों और बुनकरों की रोजी का साधन उनका शिल्प और हैंडलूम है। इन शिल्पकारों और दस्तकारों की सहूलियत के लिए प्रधानमंत्री अक्सर लोगों से हैंडलूम और दस्तकारी के इस्तेमाल की अपील करते रहे हैं। 25 जुलाई 2021 को प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि हैंडलूम को लेकर किए जाने वाले छोटे छोटे प्रयास बुनकरों की जिंदगी में नई उम्मीद जगाते हैं। साथियों, हमारे देश के ग्रामीण और आदिवासी इलाकों में हैंडलूम कमाई का बहुत बड़ा साधन है। ये ऐसा क्षेत्र है जिससे लाखों महिलाएं, लाखों बुनकर, लाखों शिल्पी जुड़े हुए हैं। आपके छोटे छोटे प्रयास बुनकरों में एक नई उम्मीद जगाएंगे। आप स्वयं कुछ न कुछ खरीदें और अपनी बात दूसरों को भी बताएं। और जब हम आजादी के 75 साल मना रहे हैं, तब तो इतना करना हमारी जिम्मेवारी बनती है भाइयों। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। छत्तीसगढ़ योग आयोग द्वारा लोगों को योग से परिचित कराने और योग के लाभ को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से कल से 30 अप्रैल तक संभाग स्तरीय आवासीय योग प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जाएगा। शिविर के प्रथम चरण में रायपुर संभाग के प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन रायपुर में किया जाएगा। शिविर में लगभग 200 प्रतिभागी शामिल होंगे। वहीं योग आयोग के 25 अप्रैल को 6वें स्थापना दिवस के अवसर पर रायपुर के सुभाष स्टेडियम में एक दिवसीय सामूहिक विशेष योगाभ्यास कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इसके बाद स्टेडियम से ही जन जागरूकता रैली निकाली जाएगी, जो शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए वापस सुभाष स्टेडियम पहुंचेगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि माता कर्मा सेवा, त्याग, भक्ति और समर्पण की देवी हैं। श्री बघेल कल दुर्ग जिले के कुम्हारी में आयोजित मां कर्मा जयंती महोत्सव को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि माता कर्मा ने अपना पूरा जीवन सामाजिक और धार्मिक कार्य में समर्पित किया। उन्होंने कहा कि प्रगति के लिए आपसी समन्वय, एकता और विचारों का सकारात्मक होना अति आवश्यक है और सकारात्मक विचार शिक्षा ही दे सकती है। इसलिए उन्होंने उपस्थित जनों को सामाजिक तरक्की के लिए शिक्षा पर विशेष बल देने की बात कही। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कुम्हारी बाजार चौक का नामकरण माता कर्मा चौक के नाम से करने की घोषणा की। राज्य के पारंपरिक शिल्प और कलाओं के संरक्षण और लोगों में इनके प्रति रुचि जागृत करने के लिए हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी विशेष प्रशिक्षण शिविर आकार का आयोजन किया जाएगा। रायपुर के सिविल लाइन स्थित महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय परिसर में आगामी 1 से 19 मई तक यह शिविर लगेगा। संस्कृति विभाग द्वारा आयोजित इस शिविर में दो पाली सुबह 7 बजे से 10 बजे तक और शाम 4 बजे से 7 बजे तक विविध कलाओं का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इनमें प्रमुख रूप से म्यूरल आर्ट, कास्ट, बांस शिल्प, चित्रकला और मधुबनी आर्ट के साथ वाद्य यंत्र का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इच्छुक प्रतिभागी आकार कार्यालय में अपना पंजीयन करा सकते हैं। दिव्यांग और अनाथ आश्रम के बच्चों को यह प्रशिक्षण निःशुल्क दिया जाएगा। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के तहत राम वन गमन पथ के दोनों किनारों पर वृक्षारोपण के कार्य कराए जाएंगे। इस आशय के निर्देश मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने मंत्रालय में पंचायत और ग्रामीण विकास और इलेक्ट्रॉनिक तथा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की समीक्षा बैठक में दिए। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में जरूरतमंद लोगों को मनरेगा के तहत रोजगार उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने जरूरतमंद परिवारों को नियमित रूप से रोजगार उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान देने की जरूरत बताई। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग ने प्रदेश में अगले 18 घंटों के लिए अलर्ट जारी किया है। इसने प्रदेश के 10 जिलों कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा, जशपुर, सुकमा, बीजापुर, बस्तर, नारायणपुर और दंतेवाड़ा के लिए ऑरेंज अलर्ट और 8 जिलों बिलासपुर, पेंड्रा, मुंगेली, कबीरधाम, रायगढ़, कोरबा, कांकेर और कोंडागांव के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के कुछ इलाकों में गरज चमक के साथ अंधड़ चलने और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना है। और अब कुछ खबरें संक्षेप में।
रायपुर के जिला रोजगार और स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र द्वारा कल 24 अप्रैल को पुराना पुलिस मुख्यालय परिसर में प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जाएगा और जांजगीर चांपा जिले के तालदेवरी गांव में ट्रक की चपेट में आने से मोटरसाइकिल सवार एक युवक की मौत हो गई, वहीं एक अन्य युवक घायल हो गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर कटनी बिलासपुर सेक्शन में आज से सभी यात्री गाड़ियों का परिचालन फिर से शुरू हुआ। कल राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं के सशक्त होने से लोकतंत्र और मजबूत होगा। दुर्ग स्थित हेमचंद यादव विश्वविद्यालय का पहला दीक्षांत समारोह कल आयोजित किया जाएगा और मौसम विभाग ने अगले 18 घंटों के लिए प्रदेश के 10 जिलों में ऑरेंज और 8 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।